हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस आज मैं बात करने वाली हूँ सॉन्ग ऑफ इंडिया की वैरायटी है ये ग्रीन वाली। तो मैं कटिंग इसकी, ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। ये साया में भी देखो कितना अच्छा खुश है। साया बोले तो अब 2-3 घंटे के लिए यहाँ से ग्लास के पीछे से ये देख रहे हैं, ग्लास के पीछे से सुबह सुबह 3-4 घंटे की धूप आ जाती है और बस इसको इनफ हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए। फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसको अगर 2-3 घंटे की धूप इनफ हो जाती है, ज़्यादा धूप की अगर आप फुल सनलाइट में रख देंगे इसको, तो ये इसके लीफ जो है तो बंद हो जाते हैं, यानी कि जल जाते हैं। इसमें देख रहे हैं आप, एक भी स्पॉट नहीं है ये, एक भी कोई डार्क स्पॉट नहीं है और एकदम ग्रीन है। देख रहे हैं आप, इसको 2-3 घंटे ये धूप में रहता है। अगर इसको इतनी धूप नहीं मिली तो ये जिंदा तो रहेगा लेकिन ग्रो नहीं करेगा। इसकी ग्रोथ देख रहे हैं आप, कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। ये देखिए लीफ आ रहे हैं नीचे। तो फ्रेंड्स, इसका थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। बाकी ये ऑर्नामेंटल प्लांट यानी धूप में नहीं भी रहे तो ये चलता है, और इसको डेकोरेशन के उसमें यूज़ करते हैं। डेकोरेटेड प्लांट है और इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, और इसकी इसकी प्रोपेगेशन कटिंग से होती है। इसकी मैंने 2-3 महीने पहले और मैंने कटिंग लगाई थी, क्योंकि आप लोगों को दिखाना, मेरे पास तो काफ़ी प्लांट है, ये एक ही प्लांटर में 4-5 लगे हुए हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करना था। बल्कि मैंने 2.5 महीने पहले एक कटिंग लगाई तो तीन थी पर तीन नहीं आई, एक आई। ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आप जितनी कटिंग लगाएं उतनी ही आ जाए, ये ज़रूरी नहीं होता है। कभी 2 कभी 3, आप 5 लगाएंगे तो हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, और बाकी की वेस्ट भी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप इसका ख़ास ख्याल रखिए कि एक कटिंग कतई नहीं लगाइए, एक से ज़्यादा कटिंग से लगाएं आप। जो कि तो मैं बताऊंगी आपको किस मीडिया में लगाना है और किस तरह की मिट्टी लेना हो क्या। अगर आप सॉफ्ट मीडिया में लगाएंगे तो इसकी रूट डेवलप होने में ज़रा आसान हो जाएगा। बाकी आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिट्टी में लगाएंगे तो थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप सॉफ्ट मीडिया में, जो मैं बोल रही हूँ उसमें अगर आप लगाएंगे तो काफ़ी जल्दी डेवलप हो जाएगी, 2-2.5 महीना। वैसे नहीं तो 5 महीने भी हो सकते हैं, 4 महीने भी हो सकते हैं सॉफ्ट में लगाएंगे। अगर हार्ड मीडिया है आपका, सिर्फ मिट्टी में लगाएंगे तो भी लग तो जाएगी लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपका टाइम बचाने के लिए मैंने ये सॉफ्ट मीडिया यूज़ किया है। तो चलिए बताती हूँ मैं कि किस तरह से लगाना है, ये मैं बताती हूँ ये आपको। ये देखिए कि जो मैंने एक कटिंग बची है वो ये है, सिर्फ एक कटिंग बची है, और ये देखो कितने अच्छे से लंबी भी हो गई और बड़ी भी हो गई। देख रहे हैं आप, काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी। और मैं दिखाती हूँ आपको, निकाल के दिखाती हूँ, रूट आ गई होगी। मैंने पानी डाल दिया, पहले इरादा नहीं था मेरा बनाने का, पानी नहीं डालते अगर। ये देख रहे हैं आप, मिट्टी झाड़ के बताती हूँ। ये देखिए वाइट रूट, रेड रूट, कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी 2.5 महीने में, कितना अच्छा डेवलप हुई, और प्लांट की लंबाई भी बढ़ गई है। इतनी लंबी नहीं लगाई थी मैंने सिर्फ 4 इंच की लगाई थी यहाँ तक, इतनी कटिंग थी, इतनी ये ग्रोथ बढ़ गई है। इतनी सी कटिंग थी ये, यहाँ तक जहाँ तक मेरी उंगली है यहाँ तक थी। सो फ्रेंड्स, वापस इसमें लगा देते हैं और फिर बता दें कि मैंने ये क्या लिया है और किस तरह से इसको लगा सकते हैं। ठीक है,
बाद में मैं सही से लगा लूँगी। ये कोको मैंने जो मीडिया लिया है वो है कोकोपीट और कंपोस्ट। आप कंपोस्ट कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, काउडन कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट ले या किचन कंपोस्ट, तीनों भी आप ले सकते हैं। तो किचन कंपोस्ट मैंने इस बार नहीं लिया है, वैसे मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, और इस बार मैंने लिया है लीफ कंपोस्ट। उसमें जो कोकोपीट है उसमें लीफ कंपोस्ट और थोड़ा सा काउडन और थोड़ा सा मैंने वो लिया है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट से क्या होता है फ्रेंड्स कि उसमें लीफ जो रूट डेवलप होती है वो आसान हो जाती है, थोड़े से न्यूट्रिशन भी मिल जाते हैं उसको। तो आप भी ले लीजिए, ऑप्शनल है। वर्मी कंपोस्ट अगर ना लें तो भी चलेगा। आप सिर्फ अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ मिट्टी और रेत मिलाकर और थोड़ी सी काउडन मिल जाए कहीं से पुरानी सड़ी हुई वो डाल सकते हैं। फ्री की है, मतलब ये तो हर कहीं रहती है, हर किसी के पास आसानी से इजीली मिल जाती है। तो मैं यही सजेशन दूंगी, अगर आप ज़्यादा मतलब कहीं नहीं काउडन कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट कुछ नहीं है, तो वैसे भी गांव में तो ज़्यादातर रहता है कि लीफ पड़े हुए रहते हैं, तो आप कंपोस्ट बना भी सकते हैं लीफ कंपोस्ट। और नहीं है तो आपके पास तो मैं बोल रही हूँ बस सिर्फ तीन चीज़ें आप मिला लीजिए या दो ही मिला लीजिए। आप कंपोस्ट कोई सी भी नहीं है तो आप रेत और मिट्टी दो मिला के इसको लगा सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगी रूट। ओके फ्रेंड्स, तो ये देख रहे हैं आप कि कितना ब्यूटीफुल प्लांट है, ग्रीन एकदम डार्क ग्रीन है। ये देखिए लीफ एकदम शाइन कर रहे हैं और तो बस इस तरह से आप लगा देंगे। जैसे देखिए मैं लगा कर भी बताती हूँ आपको, ये मैंने लिया है, इसमें कंपोस्ट और वो है। एक दो कटिंग और कट कर लेते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए ये मेरी वैसे भी ये वाली नहीं करूँगी क्योंकि ये तो अभी ग्रोथ नहीं चल रही है। मैं ये यहाँ से ये देख रहे हैं आप, ये बताती हूँ, ये जो नोडी एरिया है यहाँ से कट कर लें आप, यहाँ से लीफ के थोड़े ऊपर से दोनों नोड के बीच में से यहाँ से कट कर लें और 5 से 6, 6 से 7, 8 इंच की भी आप लगा सकते हैं कटिंग। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से कट कर लीजिए इस तरह से और सारे लीफ हटा दीजिए आप, क्योंकि लीफ में ज़्यादा टाइम लगेगा एनर्जी पहुंचाने में प्लांट को, तो ज़्यादा लीफ नहीं रखिए, ऊपर के 2-3 लीफ रख लीजिए। जैसे कि इसमें है, ये देख रहे हैं आप इस तरह का आ जाती है, तो टाइम लगता है थोड़ा। ये देखिए इस तरह का देख रहे हैं, क्योंकि वो अपना फूड पहुंचाएगा, कहाँ तक पहुँचाएगा, किस किस लीफ को देगा अपना फूड, फिर वो अगर लीफ को फूड देगा तो वो उसको परेशानी होगी रूट डेवलप करने में। सो फ्रेंड्स, आप जहाँ तक हो सके लीफ कम कर लें, 2-3 लीफ रखें तो चलेगा। ये देखिए इस तरह से, सॉन्ग ऑफ इंडिया की वैरायटी कितनी बहुत हैं, कई वैरायटियां हैं, छोटी बड़ी और वो भी क्या बोलते हैं, वेरीगेटेड भी रहता है येलो और ग्रीन। वो मेरे पास मर गया, मेरे पास वो भी था। ये देखिए इस तरह से, ये सॉफ्ट मीडिया है तो आपको लकड़ी से होल करने की ज़रूरत नहीं है और बस पानी डाल दीजिए। इसमें मैं एक ही रखती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा प्लांट नहीं चाहिए, तो मैं एक रख रही हूँ, इसको बस पानी दे देना है बस। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को, पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं तुरंत उसका जवाब दे दूँगी।
सो फ्रेंड बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।